कक्षा 10 में गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। आज हम लेंगे विविध इच्छा, यानी कि जो भी यानी कि वो एक्सरसाइज भी किस पे आधारित है, त्रिकोणमितीय जो टेबल है उस टेबल पे आधारित है वो एक्सरसाइज विविध इच्छा। तो इसका पहला क्वेश्चन देखो, विविध इच्छा का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है टेन स्क्वायर 60 का मान ज्ञात करो। टेन स्क्वायर 60 का मान ज्ञात कीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन है टेन स्क्वायर 60 का मान ज्ञात कर। तो ये हम जो त्रिकोणमितीय सारणी है, जो त्रिकोणमितीय सारणी है उसके अनुसार ज्ञात कर सकते हैं। तो टेन स्क्वायर 60 का मान कितना होता है, टेन साठ का मान होता है अंडर रूट 3। तो यहां पर देखो क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो हम इस पद का भी क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। टेन स्क्वायर 60, तो टेन स्क्वायर 60 के बराबर अंडर रूट 3 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 3 का कितना हो जाएगा, केवल 3। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, केवल 3 आ जाएगा आंसर। दूसरा क्वेश्चन भी आप ऐसे ही कर सकते हो, दूसरा क्वेश्चन खुद को ही करना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो, कोसेक थीटा बराबर है 2/√3, कोसेक थीटा के बराबर है 2/√3। क्वेश्चन नंबर तीसरा, कोसेक थीटा बराबर 2/√3 हो तो थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान ज्ञात कर। ये क्वेश्चन है आपके पास कि कोसेक थीटा का मान है 2/√3, तो थीटा का मान ज्ञात करो। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको सबसे पहले कोसेक वाले कॉलम में चलना है। कौन से कॉलम में चलेंगे हम, कोसेक वाले कॉलम में, और कोसेक में देखेंगे कोसेक थीटा के बराबर है 2/√3, और 2/√3 किसका होता है ये देखो। तो कोसेक 60 का मान होता है कितना, 2/√3, इसका मान होता है कोसेक 60 का मान, कोसेक 60 का मान है 2/√3। तो हम यहां पर कितना रखेंगे, कोसेक 60, ये कोसेक 60 डिग्री। फिर इसके बाद हम देखो यहां पर कि दोनों ही पक्षों के अंदर इनको समान पदों की तुलना करेंगे, क्या करेंगे, दोनों ही पक्षों में समान पदों की तुलना करने पर, समान पदों की तुलना करने पर, तुलना करने पर जब हम समान पदों की तुलना करेंगे तो कोसेक से कोसेक यहां पर क्या होगा, निरस्त हो जाएगा। कोसेक से कोसेक को निरस्त करेंगे तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो थीटा बराबर आएगा 60 डिग्री। और अब देखो यहां पे जो पाई होता है, पाई का मान त्रिकोणमिति में 180 डिग्री होता है, तो 60 डिग्री को हम कैसे लिखेंगे, तो थीटा बराबर है 60 डिग्री, और 60 डिग्री को कैसे लिखेंगे, पाई 3 के रूप में, क्योंकि पाई का मान कितना होता है त्रिकोणमिति में, 180 डिग्री। पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है, इसलिए यहाँ 60 डिग्री को कैसे लिखेंगे, पाई 3 के इसको रूप में लिखेंगे। तो यहां पर जो इसका आंसर है वो क्या आ जाएगा, पाई 3। बी नंबर का ऑप्शन यहाँ सेट होगा। ये क्वेश्चन नंबर तीसरा था, क्वेश्चन नंबर चौथा भी आप कर सकते हो। पांचवा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर छठे से देखिए, क्वेश्चन नंबर छठे से ये क्वेश्चन आपको खुद को करके देखने हैं, बाकी ये क्वेश्चन यहाँ जो छोड़ के चल रहा हूं मैं वो आपको खुद को करने हैं। आसान है क्वेश्चन, हार्ड नहीं है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर छठा, और छठे में सिद्ध करना है आपको कोस स्क्वायर 60, कोस स्क्वायर 60 डिग्री के बराबर है 2 cos² 30 -1। इसमें दोनों पक्षों को आपको सिद्ध करके देखना है, और दोनों पक्षों में आपको यहाँ पे मान रखने पड़ेंगे। सबसे पहले यहां मान रखो cos 60, हल है cos स्क्वायर 60 बराबर 2 cos² 30 -1, ये आपको दिया हुआ है। अब इसमें हम त्रिकोणमितीय सारणी के अनुसार इसमें हम मान रखेंगे, त्रिकोणमितीय सारणी के अनुसार। तो cos 60 का मान, cos 60 का मान 1/2, वह cos 30 का मान √3/2 रखने पर, यह मान आप त्रिकोणमितीय सारणी के अनुसार इसमें रखेंगे कि cos 60 है, cos 60 का मान कितना रखेंगे, 1/2, cos 30 का मान √3/2, यह मान आप त्रिकोणमितीय सारणी के अनुसार इसमें रखिए। तो cos 60 की जगह 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर,
बराबर। दो कोस स्क्वायर 30 है, सॉरी केवल यहाँ कोस 60 ही है, स्क्वायर नहीं है क्वेश्चन में। तो यहाँ कोस 60 का मान 1/2 बराबर 2 कोस स्क्वायर 30। तो कोस 30 का मान कितना है? अंडर रूट 3/2। तो अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर माइनस है, तो 1/2, तो 2 गुणा, और इस अंडर रूट 3 का हम स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? केवल ही 3, केवल ही 3/2 का स्क्वायर 4 माइनस है। 2 से इसको काट सकते हैं 2 बार, तो 1/2 बराबर क्या बच गया? 3/2 माइनस 1, 1 के नीचे 1 मान सकते हैं हम। और अब लीजिए इसका लघुत्तम, तो इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा? 2। आपके पास 2 लघुत्तम है, 2 में 2 का भाग दिया, तो 1, 1 को 3 से गुणा कर दो तो 3, 3 माइनस 1 का भाग देंगे 2 में 2, 2 को 1 से गुणा कर दो 2, ये 1/2। तो 3 में से 2 को घटा दो कितना आ जाएगा? 1/2, 1/2 बराबर 1/2, यानी कि इसके देखो दोनों ही पक्ष हमारे पास बराबर है, इस क्वेश्चन के दोनों ही पक्ष हमारे पास बराबर है। तो लास्ट में क्या लिखेंगे? LHS बराबर RHS, और यही हमारे को इसमें सिद्ध करना था। लास्ट में क्या लिखेंगे? HP, ये आपको यहां लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 आप कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 बता दिया, 7 आपको करना है, 8वां क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 8वां है, कोस 60 कोस 60 डिग्री के बराबर है 1 - tan²30 बटे में, यानी कि 1 + tan²30, 1 + tan²30, ये मान आप। अब सबसे पहले हम त्रिकोणमितीय सारणी के अनुसार इसमें मान रखेंगे, त्रिकोणमितीय सारणी से, यानी इसके हल में cos60 बराबर 1 - tan²30 और 1 + tan²30, और इसमें हम त्रिकोणमितीय सारणी के अनुसार मान रखेंगे। cos60 है, cos60 का मान 1/2, पिछले क्वेश्चन में भी था, 6 में, cos60 के बराबर रखेंगे 1/2। टेन तीस के बराबर कितना हमारे पास? 1/√3, ये मान हम रखेंगे त्रिकोणमितीय सारणी के अनुसार। जो भी त्रिकोणमितीय सारणी है आपको अच्छी तरह से बनानी आती होगी, नहीं आती तो उसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, ये मान हम इसमें रखेंगे। तो cos60 की जगह 1/2, 1 - tan₃0, तो टेन तीस का मान कितना आपके पास? 1/√3, लेकिन इस पे क्या है? स्क्वायर है, तो हम इस पद का भी क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, 1/√3 का स्क्वायर बटे में 1 + tan²30। अब देखो टेन तीस का 1/√3, लेकिन इस पद पे स्क्वायर है, तो यहां पर भी स्क्वायर आपको करते हुए चलना पड़ेगा, 1/√3 होल स्क्वायर। तो 1/2 बराबर 1 - यहां से 1/3 और नीचे 1 + 1/3, और अब आप इन दोनों ही पदों में लघुतम लेते हुए चलना है, आपको लघुतम लेते हुए चलना है। तो 1/2 बराबर इसका लघुतम ले, इसके नीचे 1 मान सकते हैं, इसके नीचे 1 मान सकते हैं। तो हम देखो यहां से अब लेंगे इसका एलसीएम, 1/1 और 1/3 का एलसीएम कितना आएगा? 3, ये एलसीएम आ गया 3, और इस 1 का भाग देंगे 3 में 3 बार, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3, 3 - 1 का 3 का भाग 3 में देंगे 1, 1 को 1 से गुणा कर दो तो 1, बराबर का चिन्ह यहां आएगा। फिर दोबारा नीचे वाले पद का लघुत्तम लेंगे, तो इसका लघुत्तम भी कितना आ जाएगा? 3, और 1 का भाग देंगे 3 में 3 बार, 3 को 1 से गुणा कर दो 3 + 1। अब तो 1/2 बराबर 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2/3, और यहां पर कितने आ गए? 4/3। अब इसका क्या हो जाएगा आगे जाके? व्युत्क्रम, इसका क्या करेंगे आगे? व्युत्क्रम, और व्युत्क्रम करने पर संख्या
दो बटा तीन गुणा तीन बटा चार के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तीन से तीन, अब क्या बच गया यहां से, दो बटे चार, और ये आ गया एक बटे दो। तो यानी इस पद को भी हम काट सकते हैं दो के फाड़े से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक बटे दो। तो देखो इसके दोनों ही पक्ष हमारे पास बराबर आ गए, एक बटे दो बराबर एक बटे दो, यानी कि एल एच एस बराबर है आर एच एस के, एल एच एस बराबर है आर एच एस। और यही हमारे को इसमें सिद्ध करना था, आगे क्या लिखेंगे हम, एच पी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, नौवा खुद कर सकते हो, दसवा भी, ग्यारहवा, बारहवा। क्वेश्चन नंबर 13वें में चलिए आप, क्वेश्चन नंबर 13वां। इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है घर पे, खुद को जो क्वेश्चन छोटे उनको, और इस क्वेश्चन नंबर 13वें से पहले तक जो भी अब तक करवाए उनको आपको होमवर्क की जो नोटबुक है उसमें नोट करते हुए चलना। यदि कोट थीटा के बराबर एक बटा अंडर रूट तीन है, क्वेश्चन नंबर 13वां है, कोट थीटा के बराबर एक बटा अंडर रूट तीन हो, अंडर रूट तीन हो, तो आपको सिद्ध करना है इसमें एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा बटे दो माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर तीन बटे पांच। ये पॉइंट आपको इसमें सिद्ध करते हुए चलना है कि कोट थीटा का मान कितना है, एक बटे अंडर रूट तीन है, तो एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा बटे दो माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर तीन बटा पांच। ये पॉइंट इसमें सिद्ध करना है। अब सबसे पहले देखो हमारे पास इसमें थीटा का मान नहीं है, यानी कि यहां सबसे पहले क्या नहीं है, थीटा का मान। तो हम सबसे पहले यहां थीटा का मान ज्ञात करेंगे, थीटा का मान ज्ञात करेंगे सबसे पहले। तो इसके हल में देखो यहां थीटा का मान ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले यहां हम थीटा का मान ज्ञात करेंगे। तो थीटा का मान ज्ञात करने के लिए आपको कोट वाले कॉलम में चलना पड़ेगा। देखो कोट थीटा के बराबर है एक बट्टा अंडर रूट तीन, ये आपको दिया हुआ है, ये आपको क्या है क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले थीटा का मान ज्ञात करेंगे, तो आपको कोट वाले कॉलम में देखो एक बट्टा अंडर रूट तीन मान किसका होता है, तो ये मान आएगा कोट 60 का। तो एक बट्टा अंडर रूट तीन के बराबर क्या रखेंगे हम, कोट 60 डिग्री, ये मान आपको इसमें रखना पड़ेगा। यानी कोट थीटा बराबर कोट 60, यानी एक बटा रूट तीन मान किसका होता है, कोट 60 का। तो मानिया कितना रखेंगे, कोट 60। और अब देखो दोनों ही पक्षों में समान पदों की हम तुलना करें, तो कोट से कोट को यहां निरस्त करेंगे, तो थीटा का मान हमारे पास कितना जाएगा, 60 डिग्री। थीटा का मान कितना आएगा, 60 डिग्री। तो थीटा बराबर 60 डिग्री, समान पदों की तुलना कर देंगे, यहां से कोट से कोट को निरस्त करेंगे। अब ये थीटा का मान 60 डिग्री इसमें रख दो, एक माइनस कोस स्क्वायर 60 डिग्री बटे दो माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री बराबर कितना लेके आना आपको, तीन बटे पांच। कितना लेके आना इसमें, तीन बटे पांच। अब यहां सबसे पहले लेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड, एलएचएस का हल करेंगे बाएं पक्ष का, और एल एच एस है एक माइनस कोस स्क्वायर 60, सॉरी कोस 60, कोस स्क्वायर 60 डिग्री स्क्वायर है क्वेश्चन में, बटे दो माइनस साइन स्क्वायर 60। अब इसमें आपको मान रखना है कहां से, त्रिकोणमितीय सारणी के अनुसार इसमें आपको मान रखने हैं, त्रिकोणमितीय सारणी से। तो कोस 60 का मान, कोस 60 के बराबर हम रखेंगे एक बटा दो, व साइन 60 के बराबर हम रखेंगे इसमें अंडर रूट तीन बटा दो मान, ये मान हम रखेंगे त्रिकोणमितीय सारणी के अनुसार, त्रिकोणमितीय सारणी के अनुसार इसमें हम मान रखेंगे। तो ये मान देखो यहां हम रख रहे हैं, तो एक माइनस कोस स्क्वायर 60, तो कोस 60 का मान है एक बटा दो, लेकिन इसका क्या करना है आपको, स्क्वायर बटे में दो माइनस साइन स्क्वायर 60, तो साइन 60 का मान है अंडर रूट तीन बटे दो, इसका स्क्वायर। तो एक माइनस एक बटे चार हो जाएगा दो का स्क्वायर, बटे में दो माइनस फिर लेंगे अंडर रूट तीन का स्क्वायर, तो अंडर रूट तीन का स्क्वायर आएगा तीन, और दो का स्क्वायर आ गया चार। अब इनका लघुतम हम लेते हुए चलेंगे, तो एक का और चार का लघुतम आ जाएगा आपके पास चार, और नीचे
इसका लघुत्तम भी कितना आएगा आपके पास? चार। अब इस एक का भाग देंगे चार में, चार बार, चार को एक से गुणा कर दो आप, चार माइनस, चार में चार का भाग दिया एक, एक को एक से गुणा कर दो एक, और एक का भाग देंगे चार में चार, चार दूनी आठ, माइनस चार का भाग चार में देंगे एक, एक को तीन से गुणा कर दो तीन। अब चार में से एक को घटा दो आप, तीन बटे चार और फिर पांच बटे चार। अब इसका व्युत्क्रम हम करेंगे, नेक्स्ट हम करेंगे इसका व्युत्क्रम। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे? व्युत्क्रम। तो तीन बटे चार और गुणा चार बटे पांच, चार से चार कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया? तीन बटे पांच। यानी क्वेश्चन की देखो दोनों साइड बराबर है आपके पास, LHS बराबर है RHS के, और यही आपको इसमें प्रूफ करना था। लास्ट में क्या लिखेंगे? HP। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 14वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 14वां। ये तीन टेन स्क्वायर तीस, तीन टेन स्क्वायर तीस प्लस कोट स्क्वायर तीस, कोट स्क्वायर तीस माइनस आठ साइन स्क्वायर पैंतालीस, साइन स्क्वायर पैंतालीस प्लस कोस स्क्वायर तीस, और इसका मान आपको कितना लेके आना है? जीरो। यानी इस पूरे का हल कितना आएगा? जीरो आएगा। तो सबसे पहले हम किस में चलेंगे? इसके यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हल करेंगे, और हल करने के बाद आंसर कितना लेके आना हमारे को? जीरो लेके आना इसका आंसर। तो सबसे पहले हम लेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड, लेकिन एक बार आप क्वेश्चन को चेक कर लो, सही लिखा है क्या मैंने? तीन ब्रैकेट टेन स्क्वायर तीस प्लस कोट स्क्वायर तीस माइनस आठ ब्रैकेट साइन स्क्वायर पैंतालीस प्लस कोस स्क्वायर तीस बराबर में मान लेके आना है जीरो। तो सबसे पहले हम लेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड, और ये है तीन ब्रैकेट टेन स्क्वायर तीस कोट स्क्वायर तीस माइनस आठ साइन स्क्वायर पैतालीस प्लस कोस स्क्वायर तीस। अब इसमें हम मान रखेंगे त्रिकोणमितीय सारणी के अनुसार, इसमें आपको मान रखने, तो टेन तीस का मान आता है टेन तीस एक बटे अंडर रूट तीन, कोट तीस का मान अंडर रूट तीन, साइन पैतालीस का मान एक बटे अंडर रूट दो, वह कोस तीस, कोस तीस का मान साइन साठ के बराबर होता है, तो कोस तीस, कोस तीस के बराबर अंडर रूट तीन बटे दो। ये मान हम त्रिकोणमितीय सारणी के अनुसार इसमें रखेंगे, तैंतीस का मान एक बटे अंडर रूट तीन, तो ये सारे मान हम त्रिकोणमितीय सारणी के अनुसार इसमें रखेंगे, और अब आगे इसका हल करेंगे। तो देखो तीन ब्रेकेट टेन तीस, टेन तीस का मान एक बटे अंडर रूट तीन, और इसका क्या करेंगे अब? स्क्वायर, टेन स्क्वायर है तो इस मान पर भी स्क्वायर, प्लस कोट तीस, तो कोट तीस का मान है हमारे पास अंडर रूट तीन, तो अंडर रूट तीन का स्क्वायर माइनस आठ साइन स्क्वायर पैंतालीस, तो साइन पैंतालीस का मान है एक बटा अंडर रूट दो, तो एक बटा अंडर रूट दो का स्क्वायर प्लस कोस तीस, कोस तीस का मान है अंडर रूट तीन बटे दो। अब देखो आगे, तीन और एक का स्क्वायर एक, और अंडर रूट तीन का स्क्वायर कितना आ जाएगा? तीन, जो रूट का चिन्ह ये हट जाता है, बाकी नॉर्मल संख्या आ जाती है, प्लस और जो अंडर रूट तीन है इसका स्क्वायर आ जाएगा तीन, इसके नीचे एक मान सकते हो माइनस आठ एक बटा, और अंडर रूट दो का स्क्वायर केवल दो, प्लस अंडर रूट तीन का तीन, दो का स्क्वायर चार। अब हम इसका यानी कि लघुत्तम लेंगे इस पद का भी और इस पद का भी, लघुत्तम लेके हुए आगे हल करेंगे। तो इसका लघुत्तम आपके पास क्या आ जाएगा? तीन, तो तीन का भाग तीन में देंगे एक, एक को एक से गुणा कर दो,
तो एक प्लस एक का भाग देंगे तीन में, तीन, तीन को तीन से गुणा कर दो, नौ, आठ, इसका लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा, दो का और चार का चार, दो का भाग देंगे चार में दो, दो को एक से गुणा कर दो, दो प्लस चार का भाग देंगे चार में एक, एक को तीन से गुणा कर दो थी। अभी तीन से तीन कैंसिल हो सकते हैं, तो नौ रे कितना आ गया, दस, माइनस आठ, ए सॉरी, चार से आठ को काट सकते हैं दो बार, तीन और दो कितना हो गया पांच, ये भी कितना आ गया दस, पांच दूनी दस, दस में से दस को घटा दो क्या आ जाएगा, जीरो। और देखो इसकी जो आर एच एस है ये भी कितनी है, जीरो। तो इसके दोनों ही पक्ष हमारे पास बराबर, एल एच एस बराबर आर एच एस, दोनों ही पक्ष इसके बराबर है, और यही हमारे को इसमें सिद्ध करना था क्वेश्चन में। ऐसे ही क्वेश्चन आपके जो 6.1 है उसमें है क्वेश्चन, तो सेम है क्वेश्चन, कोई हार्ड नहीं है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 15 आप खुद करके देखना, आपके पास आंसर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 कोस 30, कोस 30 प्लस साइन 60 बटे में एक प्लस कोस 60 प्लस साइन 30 बराबर है अंडर रूट 3/2। तो सबसे पहले आपको किस में चलना है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, यानी कि बायां पक्ष है उसको हल करेंगे। बायां पक्ष को हल करने के बाद हमारे पास क्या आना चाहिए, दायां पक्ष आना चाहिए। तो सबसे पहले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS, cos 30 प्लस साइन 60 एक प्लस cos 60 प्लस साइन 30, और इसमें हम मान रखेंगे त्रिकोणमितीय सारणी के अनुसार। तो कोस 30 का मान, कोस 30 बराबर 1/√3/2, साइन 60, साइन 60 का मान भी यही है √3/2, कोस 60, कोस 60 का मान 1/2, वे साइन 30, साइन 30 का मान भी कितना है 1/2। ये मान कहां से रखेंगे, त्रिकोणमितीय सारणी के अनुसार, त्रिकोणमितीय सारणी है उसके अनुसार हम इसमें मान रखेंगे। तो सबसे पहले देखो कोस 30 है, कोस 30 का मान है √3/2, तो √3/2 प्लस साइन 60 का मान भी कितना, √3/2, फिर एक कोस 60 का मान 1/2 और साइन 30 का मान 1/2। अब इनको हम जोड़ेंगे तो कितने हो गए, √3/2 और √3/2, दो बार आ गए, कितने बार आ गए ये, दो बार, एक और दो। इसको हम क्या लिखेंगे, दो गुणा √3/2, और दूसरे पक्ष में यहां पर एक और हाफ और हाफ यानी आधा और आधा, एक और एक और एक, कितना हो जाएगा टोटल दो। या फिर इसको आप एलसीएम लेके भी हल कर सकते हो, लेकिन सीधा आप कर सकते हो आधा आधा एक और एक दो, इस दो से ये दो कटके कितना आ जाएगा √3/2, और ये साइड इसकी किसके बराबर आ गई, आरएचएस के बराबर। तो लास्ट में क्या लिख सकते हैं, एलएचएस बराबर आरएचएस, और यही हमारे को इसमें सिद्ध करना था, यानी एचपी हम लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, वो भी जी है जो पहले भी आपके आ चुका है, जो आपके 6.1 है उसके अंदर, और अब जो नेक्स्ट वीडियो है हम उसमें लेंगे, चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपके जो सर्वसमीकरण है वो है जो आपने कक्षा 9th में पढ़ी थी वही है, तो इनको आपको तैयार करना है चैप्टर नंबर 6, इसकी प्रैक्टिस भी आपको करनी है और अभ्यास भी करना है, आपका टेस्ट कभी भी हो सकता है, इसके लिए आपको सूचना दे दी जाएगी। इस चैप्टर 6 का टेस्ट होगा, कंप्लीट है ये चैप्टर आपका, तो इसका टेस्ट कभी भी हो सकता है, इसको तैयार कीजिए आप, और होमवर्क में भी इन प्रश्नों को करना है।